अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? इफ वी रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बाय इट्स कॉन्जुगेट, देन द न्यू ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए बार। ए बार से इसको डिनोट किया जाता है, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम उसके कॉन्जुगेट से, सपोज जैसे ए प्लस बी आयोटा एक उसका मैट्रिक्स एलिमेंट है, तो उसको हम ए प्लस बी आयोटा की जगह ए माइनस बी आयोटा पुट कर दें, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स जो होगा वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से जैसे हम इसमें देख रहे हैं डेफिनेट एग्जाम्पल में, जैसे ए मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट रो है 1+ आयोटा, 2+ आयोटा, 3+ आयोटा। ये जरूर नहीं है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, मैंने एक एग्जांपल में प्लस आयोटा सब जगह लिया है, जरूर नहीं है वहाँ पे माइनस आयोटा हो, माइनस आयोटा भी हो सकता है इसमें, जैसे ए माइनस आयोटा हो, 2-आयोटा हो, 3-आयोटा हो, तो उस कंडीशन में भी, यानी जहाँ पर भी मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स में जहाँ पर भी आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा पुट कर दें, और जहाँ पर भी माइनस आयोटा है वहाँ आयोटा पुट कर दें, उसमें चेंज के बाद जो मैट्रिक्स निकलता है वो मैट्रिक्स हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। जैसे ए मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे देखें तो 1+ आयोटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी जगह हमने आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दिया। इस तरह से 2+ आयोटा, इसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दिया। इस तरह से 3+ आयोटा में आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस आयोटा होता तो माइनस आयोटा की जगह हम आयोटा पुट कर देते। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स निकल के आया हमारे पास, इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें, तो एक कोई भी मैट्रिक्स जो रियल मैट्रिक्स है, यानी उसमें अगर सारे एलिमेंट रियल हैं, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हमेशा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्रीज रियल हैं, वो मैट्रिक्स हमेशा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा।